यातायात पुलिस द्वारा ऑटो चालकों के की जा रही चेकिंग से परेशान होकर ऑटो चालकों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला और अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि महानगर में ऑटो रिक्शा संचालन में 4 जोन की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1 नंबर कांट रोड पीला रंग, 2 नंबर दिल्ली रोड हरा रंग, 3 नंबर शहरी क्षेत्र लाल रंग व 4 नंबर कटघर को नीला रंग से दर्शाया गया है, जिसका केंद्र रेलवे स्टेशन को मनाया गया था और वहां पर स्टैंड बनाने की योजना थी, जिसमें चारों जोनों के ऑटो रिक्शा सवारियों को उतारते और बैठाते थे, किंतु रेलवे द्वारा यह स्थान नहीं दिया गया, जिसके बाद यातायात पुलिस ने जोन 1 व 2 हनुमान मूर्ति तक बढ़ाया और 3 व 4 रेलवे स्टेशन से बढ़ाकर फव्वारे तक कर दिया। लेकिन यातायात पुलिस ने कुछ संगठनों के और दलालों के बहकावे में आकर और परीक्षाओं की चेकिंग के नाम पर ऑटो चालकों का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, जिसमें सभी ऑटो चालक परेशान हो गए। इसलिए ऑटो चालक ज्ञापन के माध्यम से यह मांग करता है कि प्रशासन द्वारा निश्चित तरीके से एक ऑटो स्टैंड बना दिया जाए और यातायात पुलिस द्वारा की जा रही चालान काटने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। मुरादाबाद महानगर में ऑटो रिक्शा संचालन में जोन व्यवस्था लागू है और इसमें 4 जोन बने हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी शहर में ऐसी जोन व्यवस्था नहीं। प्रशासन ने यह तय किया था कि रेलवे स्टेशन परिसर को केंद्र बनाकर पूरे शहर में 4 जोनों का संचालन किया जाएगा, लेकिन रेलवे ने जगह नहीं दी और वो जोन व्यवस्था ना बना करके थोड़ा थोड़ा सा उसकी दूरी बढ़ा दी गई थी। जैसे कि 1 और 2 जोन को रेलवे स्टेशन से बढ़ाकर हनुमान मूर्ति तक कर दिया था और 3 और 4 को रेलवे स्टेशन से बढ़ाकर वहाँ फुहारे तक कर दिया था, लेकिन अब 5-6 दिन से, आज 5वां दिन है, यातायात पुलिस ने सुबह से शाम तक बिल्कुल चालान में हद कर दी है। इतने चालान किए हैं और 2000 रुपये से कम का चालान नहीं है, 2000 से ऊपर का चालान है। ऑटो वाला मुश्किल से 150-200 रुपये कमाता है और 2000 रुपये चालान में देकर घर को चले जाएगा। कोरोना काल में से पहले ही पीड़ित, क्योंकि ऑटो नहीं चल रहे थे, बहुत परेशान हैं। इसलिए हमने आज DM साहब को एक ज्ञापन दिया है, KDM सिटी सामने लिया है और वो हम उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने भेजने के लिए निवेदन किया है। और जैसे और शहरों में चलता है, कोई मुरादाबाद उनसे बाहर थोड़ी है, जैसे और शहरों में ऑटो संचालन हो रहा है वैसे यहाँ पर हो। यदि अत्यधिक उत्पीड़न किया जाएगा तो हम हर हालत में मुरादाबाद का अस्त व्यस्त जो व्यवस्था है उसे अस्त व्यस्त करेंगे और ऑटो रिक्शा संचालन जाम, मतलब हड़ताल करके उसको जाम लगा